Che bello. गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। गाइज, आज का वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है, क्योंकि आज मैं दूंगा आपको अपनी गाड़ी का एग्जैक्ट कस्टमर रिव्यू। मैंने 3 साल से गाड़ी चलाई है गाइज, बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे डैड ने चलाई है, और ये गाड़ी का मैं पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर शेप साइज सब का रिव्यू देने वाला हूँ, बूट का इंजन का। मैं आपको बताऊँगा गाइज कि इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूं कि इंडिया के बीच में जैसे i10, 20, 30 एंड 40 आती है, मैं अभी 40 शायद नहीं आई है, पर अगर आएगी तो आपके पास पहले से रिव्यू होगा, आप उस गाड़ी को ले पाएंगे अच्छी तरह। एक इलेंट्रा गाड़ी आती है इंडिया में और उसके जैसी है ये, बिल्कुल सेम टू सेम, बट अगर i40 लॉन्च होती है तो आपके पास एक एग्जैक्ट रिव्यू होगा। और आप इस गाड़ी का आज जो रिव्यू मेरे से सुनेंगे, कोई उसमें गाइस फॉल्स चीज़ें नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रुथ होगा, ताकि मैं चाहता हूँ आपके पैसे वेस्ट ना हो। सो गाइस, बेसिकली गाड़ी मेरी है 1.7 लीटर्स और इसका 141 bhp है और 300 नैनोमीटर टॉर्क है इसकी, जो कि बहुत हाई है, बहुत अच्छा इंजन है, बहुत पावरफुल है। इसमें आयरलैंड के बीच में यूरोप में आता है 1.7 और 115 bhp, मैंने लिया हुआ 141, जो कि डैम पावरफुल है, बहुत अच्छी गाड़ी है, फुली ऑटोमेटिक है गाइस। फर्स्ट थिंग ये है कि गाड़ी के बीच में कोई भी मुझे 3 साल से प्रॉब्लम नहीं आई, और ऑटोमेटिक इंजन्स का कई बार लोगों को होता है कि ऑटोमेटिक इंजन्स जो हैं वो ठीक नहीं होते। मेरा पर्सनल रिव्यू है गाइस, 3 साल से मैं चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ऑटोमेटिक ले सकते हैं। So, कैसा लगा आपको बूट स्पेस? Awesome है गाइस, जितना मर्जी सामान भर लो, ट्रिप आपका awesome बनने वाला है। ये गाड़ी की बैक लुक है, ये इसकी टेल लाइट्स देखो आप, कितनी अच्छी स्टाइलिश टेल लाइट्स हैं। और इसके अलॉयज देखें, shake it baby.
हेलो गाइस गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे इस गाड़ी का इंटीरियर का रिव्यू क्या है। गाइज़ ये हम बैठे हैं कैबिन के अंदर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैबिन के अंदर जब आप फुल वॉल्यूम के ऊपर एसी चलाते हो तो इसका ब्लोर कैसे चलता है। तो यहाँ म्यूज़िक नहीं है, आप देखो मैं सेल्फ कर ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने सेल्फ को ऑन करा और ये होगी गाड़ी स्टार्ट। और ये मैंने दबाया है ट्विन एसी, इसका मैंने ड्यूल टेम्परेचर सेट किया हुआ है, पर मैं इसका ब्लोर करने वाला हूँ फुल। सो आप ये देखो लाइव एक्सपीरियंस, अगर आप ब्लोर की आवाज़ देख सकते हो, यहाँ तक मुझे यहाँ तक हवा पूरी फुल फ्लेज में आ रही है गाइस। सो बहुत पावरफुल ब्लोर है। हमारे यहाँ पे तो ठंड होती है, बट अगर आप इंडिया में इसको गाड़ी को कभी भी लॉन्च होती है, बहुत पावरफुल एसी है, बहुत अच्छा है और यू विल लव इट। सो गाइस ये है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और इसमें ये है पार्किंग। पार्किंग से आप गाड़ी को पीछे लाएंगे, जब आप सेल्फ लगाएंगे तभी गाड़ी का रिवर्स लगेगा और जैसे आप रिवर्स पे डालेंगे ये आपका रिवर्सिंग कैमरा स्टार्ट हो गया। और नेक्स्ट फेज है आपका न्यूट्रल पे आप कर दें तो कार न्यूट्रल पे हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका कैमरा जो है वो ऊपर से बंद हो जाएगा। और फिर गाइस आप इसको देखें कि इसको जब हम डालते हैं डी के ऊपर तो दैट मींस कि गाड़ी आपकी मूव कर सकती है। क्रोम हैंडल्स, लवली फिनिश, 3 साल के बाद भी गाइस फिनिश खराब नहीं हुई। और हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि गाइस देखो एक हर एक कंपनी अपने आप को एडवर्टाइज करती है, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती है। मेरे साथ कोई कंपनी नहीं जुड़ी, मैंने आपको जैसे पहले बताया है। और गाइस मैं आपको दे रहा हूँ उस गाड़ी का रियल रिव्यू क्योंकि हमने पैसे लगाए हैं और मैं चाहता हूँ कि आपके पैसे भी वेस्ट ना हो। गाड़ी बहुत रियलिटी में बहुत कंफर्टेबल है, कोरियन मेड कार है, बहुत अच्छी कार है गाइस। और ये गाड़ी का जो मैं अभी फ्रंट का आपको बात बता रहा हूँ वो ये है, जैसे मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ और ड्राइविंग का कम्फर्ट बहुत अच्छा है। देखो मैं पीछे जा रहा हूँ, पूरी सीट पीछे जा रही है, इसको आप पूरा और डाउन तक चले जाओ, आगे तक कर लो, आप पे डिपेंड करता है। लोग बहुत स्टिफ होकर गाड़ी चलाते हैं और आप इसको आगे तक ले आओ, देखो लेग रूम कितना सही जा रहा है। और गाइस आपकी हाइट बहुत अच्छी है, मेरी हाइट है 5'8"
और ये मेरे हिसाब से है 5'9" और 6 तक भी इंसान बहुत अच्छे कंफर्टेबली बैठता है। मैं थोड़ा ये देखो सीट नीचे कर रहा हूँ, ये सीट और नीचे चली गई, और ये क्योंकि ऑटोमेटिक कार है इसमें ये देखो, अब देखो इसका हेडरूम, देखो हेडरूम आपको कितनी स्पेस बढ़ चुकी है। तो मेरे हिसाब से 6'1" 6'2" तक का इंसान बहुत अच्छी तरह के इसमें बैठ सके। अभी मैं फिर से अपनी सीट ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे रोड अच्छी तरह दिखे। वैसे यहाँ पे कोई ट्रैफिक का ऐसा हैसल नहीं है, बट बहुत अच्छे तरीके से मैं अपनी सीट को हमेशा ऊपर रखता हूँ लाइक अ एसयूवी। अब देखते हैं पीछे का रिव्यू। सो गाइस पीछे का रिव्यू, पीछे देखो मैं कैसे खुला डुल्ला होकर बैठा हूँ। अभी मैं एक नेचुरल पोजिशन बैठा हूँ। अगर आप चार मेंबर्स हैं तो आप इस तरह मेरी तरह बैठ सकते हैं, और अगर आप पाँच मेंबर्स हैं गाइस तो भी आप आराम से रिलैक्स होकर बैठें। इसका लेग रूम बहुत अच्छा है गाइस, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि लेग रूम में कितनी अच्छी स्पेस है। सो गाइस ये देखो लेग रूम कितनी स्पेस है गाइस, और मैं अभी गाइस थोड़ा मोटा हो गया हूँ बट मैं फिर भी कितना खुला बैठा हूँ। और अगर आप मुझसे भी ज़्यादा मोटे हैं तो आपके लिए और खुशखबरी है, बहुत अच्छी लेग स्पेस है। और पीछे हेडरेस्ट है, हेडरूम बहुत अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है, ठीक है। सीट्स जो हैं ये रिक्लाइन नहीं होती है, बट किसी मॉडल में माइट भी कल को ऑप्शन आ जाए कि रिक्लाइन हो जाए सीट्स, पर इसमें नहीं होती हैं। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पार्टीशन है बीच में, और यहाँ मिलती है हमें छोटी सी पार्टी ट्रे। और पार्टी ट्रे के बीच में क्या है कि आप ग्लासेस रखें, अपने वाइन ग्लासेस रखें, आप कोल्ड ड्रिंक्स रखें, जो मर्जी रखें, उसके साथ आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, इसमें अपने स्नैक्स रख सकते हैं, अपने ट्रिप को ट्रैवल कर सकते हैं। और ये यूजुअली बहुत गाड़ियों में आता है पर मुझे बहुत पसंद है फंक्शन गाइस, आराम से पीछे बैठो, खाओ पियो और मस्ती से एंजॉय करो। तो गाइस आई होप आपको मेरा छोटा सा ये रिव्यू पसंद आया होगा, मैंने आपको दिया है बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस।